माफिया सरकारी पाइपलाइन को उखाड़कर और पब्लिक को डराने की कोशिश करेंगे, महिलाएं रोएगी, तो जनता को यही समझाया गया कि यदि लैंड माफिया आकर आपकी पाइपलाइन उखाड़ देता है तो वहां पर आपको रिएक्शन करना चाहिए, लड़ना चाहिए। पब्लिक जब खड़ी हो जाएगी लड़ने के लिए, यदि कोई गैरकानूनी तरीके से किसी की लाइन उखाड़ रहा है तो उसको लाइन उखाड़ने का हक नहीं है। जहां तक अधिकारियों का सवाल है, मैंने अधिकारियों से भी कहा कि हवा और पानी हम नहीं रोक सकते, पानी रोकने का हमें हक नहीं है, पानी देना हमारा अधिकार है। आज यदि मान लीजिए किसी के पास पानी के लिए पैसे नहीं, तो सरकार की बहुत योजना ऐसी जिसमें फ्री में पानी हम पिलाते हैं, तो उसमें हम कन्वर्ट कर देंगे, तो पानी हम रोक नहीं सकते। और जब महिलाएं रो रही हो तो गुस्सा आना वाजिब है। गुस्सा आने का मतलब कोई आप उसको ऐसी तो वल्गर लैंग्वेज बोल नहीं रहे। यदि मैंने किसी को कह दिया कि भाई आप पाइपलाइन उखाड़े, कोई तो साले के लात मारो, पब्लिक को लात मारो, तो महिलाएं रो रही है, कोई आके पाइपलाइन उखाड़ रहा है किसी के मकानों से, तो विरोध तो पब्लिक को करना पड़ेगा। गुस्सा कई बार आ जाता है, गुस्से का कारण यही है कि जब पब्लिक रोएगी और पब्लिक की आंख में आंसू होंगे तो गुस्सा भी आएगा।